कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुवार शाम कुछ नकाबपोश हमलावरों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल मो फाजिल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कर्नाटक में 10 दिन में ये तीसरी हत्या है। 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजयुमो नेता की हत्या की गई थी। दक्षिण कन्नड़ में ही 19 जुलाई को मो मसूद पर 8 लोगों ने हमला किया था, उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि हम इन मामलों में सख्त एक्शन लेंगे। अब आप इसे यूपी मॉडल कहिए या फिर कर्नाटक मॉडल। फाजिल मर्डर से जुड़े अपडेट्स। मो फाजिल पर गुरुवार शाम नकाबपोशों ने किया हमला। गुरुवार शाम जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम मंगलपेटे निवासी मोहम्मद फाजिल है। पुलिस ने बताया कि सुरतकल इलाके में फाजिल की हत्या तब हुई जब वो कपड़े की दुकान के बाहर अपने परिचित से बात कर रहे थे। 4 लोग कार से आए और उस पर हमला किया। चारों लोगों ने चेहरे को ढक रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाजिल पुलिस का इन्फॉर्मर था। इस मामले में पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कृष्णापुर कुलाई सूरतकल में 144 लागू की गई है। मंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने कहा कि सीसीटीवी में जिस व्यक्ति की पहचान की गई है उसकी तलाश जारी है। यह भी पढ़ें, कर्नाटक बीजेपी नेता मर्डर में 2 अरेस्ट। प्रवीण की मां बोली हत्यारों को फांसी दो। 21 संदिग्धों से पूछताछ। सभी से जुड़े बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। फाजिल की हत्या उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भाजपा युवा विंग के नेता प्रवीण नेटा के परिजनों से मिलने उनके घर गए थे। बोम्मई ने प्रवीण के परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख और पार्टी की ओर से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। प्रवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। उनकी हत्या के केस में 2 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। 21 लोग अभी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ये सभी लोग पीएफआई से संबंधित हैं। मंत्रियों और पार्टी ने की थी योगी मॉडल की डिमांड। भाजपा नेता की हत्या के बाद कर्नाटक में कई कार्यकर्ता और विधायकों ने मांग की थी कि योगी मॉडल लागू किया जाए। जिस तरह यूपी में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, वैसा ही एक्शन कर्नाटक में भी लिया जाए। प्रवीण की पत्नी बोली हत्यारों को फांसी हो। भाजपा नेता प्रवीण की हत्या को लेकर दक्षिण कन्नड़ में तनाव जारी है। यहां कार्यकर्ता बेहद गुस्से हैं। हत्या का शक पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर पूरे मामले की जांच नियर से कराने की मांग की है। प्रवीण की पत्नी ने मांग की है कि हत्यारों को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रवीण की हत्या के बाद भाजयुमो में लगातार इस्तीफा। प्रवीण की हत्या के बाद भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के इस्तीफे जारी हैं। चिकमगलुरु और बागलकोट के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की उदासीनता का विरोध करते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मैसूर हसन कोपला तुमकुरु और अन्य जिलों के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी पढ़ें, कर्नाटक में बीजेपी नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। युवा मोर्चा के प्रवीण ने कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पोस्ट की थी। 10 आरोपी हिरासत में।